फतेहपुर में विकासखंड भिटौरा की ग्राम पंचायत पूरे भगला किशनपुरदास में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इफको नैनो उर्वरक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में ग्राम पंचायत के किसानों ने भाग लिया, जहां किसानों को इफको नैनो उर्वरक के अधिकारियों द्वारा किसानों को फसलों में प्रयोग किए जाने की जानकारी दी गई। इफको नैनो उर्वरक के सीनियर सेल्स ऑफिसर ने बताया कि इफको नैनो यूरिया के प्रयोग से फसल में अच्छा उत्पादन होगा और लागत भी कम आएगी। तो वहीं किसान राम सूरत व किसान दुर्गेश पाल के केले की फसल व किसान वीरेंद्र की आलू की फसल में नैनो यूरिया डीएपी का प्रयोग किया गया। नैनो यूरिया प्रभावी रूप से फसलों की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण व जड़ के विकास को प्रभावित और शाखों को बढ़ाता है। नाम वीरेंद्र कुमार है, ग्राम मेरा कुलरपुरवा है और हमने दो प्लॉट में आलू लगाया है। इसमें हमने दानेदार का प्रयोग किया इस खेत में और हमारा ये बगल में साइड में इसमें हमने जो है नैनो डीएपी का स्प्रे किया है और इसमें हमने जो है आधी खाद डाली है डीएपी की और दोनों में अब हम अंतर दिखाना चाहते हैं। तो इसकी हम जो है ये पौधा उखाड़ करके हम जड़ें दिखाना चाहते हैं इसकी जो है। और इस वाले प्लॉट का भी जो है एक पौधा हम उखाड़ अब इसमें आप दोनों में देख सकते हैं। इसमें हमने नैनो डीएपी से बीज का शोधन किया था और इसमें जो हमने जो है सिंगल जो है नैनो डीएपी सागरिका का हमने जो है इसमें छिड़काव भी किया है। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, जड़ों का विकास प्लस जो है इसमें देखिएगा जड़ों की संख्या ज़्यादा होगी इसमें कम है और जो इसमें कंद भी बनने लगे हैं। इसमें जो है ना अंतर कुछ दिनों का अंतर है। ये वाला जो प्लांट हमने इधर लगाया जिसमें कम जड़े हैं ये हमारा जो है 35 दिन का प्लांट है और ये हमारा 40 दिन का प्लांट है, फर्क इतना है बस जो है। इससे आपको नैनो डीएपी तरल के प्रयोग करने से आपको क्या बेसिक क्या लाभ हुआ, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है फसल में? नैनो डीएपी का जो है इस्तेमाल करके जो है हमको ये बेनिफिट मिला जो है कि पौधा हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जड़ों की संख्या भी ज्यादा है और पौधा इसकी अपेक्षा इससे ज्यादा हेल्दी है। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।